अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अलग अलग तरीके से हम आपको बता ही रहे हैं कि क्या तैयारी की जाए और कैसी तैयारी की जाए, अगर हम उर्दू मीडियम है, हम अगर टीईटी दे रहे हैं, हम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईटी दे रहे हैं या आने वाली फरवरी की टैट दे रहे हैं, जिसको हम शिक्षक भर्ती की जो मेन परीक्षा रहती वो कहते हैं। अदरवाइज जो है दूसरे मीडियम्स में बहुत ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल है, बहुत ज्यादा किताबें अवेलेबल है, बहुत ज्यादा पब्लिकेशन अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास थोड़ा महदूद है, थोड़ा लिमिटेशंस है और कुछ ही पब्लिकेशंस है। तो कैसे जो है उसकी तैयारी की जाए। अब टीईटी तो हो चुकी है, टीईटी के बाद में अब जो है अगला जो स्टेप है वो सीटीईटी होने वाला है अभी। अब टीईटी के मैंने इससे पहले भी जब मैं क्विजेस देता था उस वक्त भी कहा था कि टीईटी जो है ये इसकी तैयारी का जो मेथड है वो मेथड से अगर चले हमने और साइलेंट माइंड से अगर पढ़े 10-12 घंटे के बजाय 4-5 घंटे में अगर हम अपना सब कुछ कर लेते हैं एकदम फ्रेश माइंड से और समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है 10-12 के बजाय 5 घंटे में। तो उसमें मैंने एक बात बोला था कि जनरल नॉलेज जो है भले ही वो टीईटी में पूछी ना जाए लेकिन उसको अहमियत बहुत ज्यादा है किसी भी हद तक। सोशल स्टडीज में वही हुआ, सेकंड पेपर सोशल स्टडीज टीईटी 2021 की, इसमें जो पूछे गए थे वो शुरुआत 5वीं के किताब से की गई थी, 5वीं के साइंस, 5वीं का शहरियत, जुग्राफिया और तारीख, यहां से शुरुआत की गई थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे उसमें जिसमें किताब भी देखने की जरूरत ना हो, जनरल नॉलेज वाले सवाल थे जो कि जैसे अपने जो क्विजेस लिए गए हैं टेलीग्राम पर उसमें से तमाम जितने भी क्विजेस लिए गए उसमें से कई सवाल उतरे हैं, उसमें से जनरल नॉलेज के सवाल, जैसा जिला परिषद उसने पूछा था महाराष्ट्र में कितने रकबे के हिसाब से अपना सबसे बड़ा रियासत कौन सा है। एक आम इंसान को आम ऐसी मालूमात हमारे पढ़े लिखों को होनी चाहिए जो कि किताब का ही नहीं आम बात है। अब खैर जो टीईटी हो गया वो तो चला गया, अब सीटीईटी है और सीटीईटी जो होने वाला है अब उसमें जो आगे क्या मालूम चांस मिलता नहीं मिलता अपने टैट देने के लिए। लेकिन अपना जो वीडियो आज का है टैट की तैयारी कैसे करना, उर्दू मीडियम है हम तो इसमें जो है टाइटल है अपना टैट की तैयारी कहां से, TAIT टैट की। अब इसकी एग्जाम होने वाली है नियर अबाउट 2022 में फरवरी में, अगर फरवरी 2022 में उन्होंने बोला है तो नियर अबाउट फरवरी तो नहीं लेकिन मार्च भी जा सकता है वो, ऐसा समझ के चलो। तो सीटीईटी का रिजल्ट आने तक मे भी हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट रुके और चांस दे, लेकिन अभी फिलहाल जो महा टीईटी जो 2021 है, जो महा टीईटी 2021 का रिजल्ट आने के बाद, महा टीईटी 2021 का रिजल्ट आने के बाद जो भी है वो फॉर्म की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब इसमें तैयारी कैसी, क्योंकि अब ये जो है ये मेंस परीक्षा है अपनी, ये मुख्य परीक्षा है वो अपनी प्री थी, तो अब इसमें तैयारी के लिए जो है इसमें दमखम लगाना पड़ता है। अब इसमें 90 मार्क पर 83 मार्क पर पासिंग नहीं रहती, ये बात ध्यान में रखो। अपने उर्दू मीडियम के बच्चों को ये नहीं मालूम कि जो मेंस परीक्षा रहती है वो रहती मेरिट वाली परीक्षा, यानी उसमें उस इम्तिहान में अपने को मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता है। टीईटी में ये फाइनल है कि आपको 90 देना पड़ता है और कैटेगरी वाले को 83। टैट में ऐसा फाइनल नहीं रहता, मिसाल के तौर पे जैसा 200 का अगर पेपर है टैट का, तो इसमें से अगर ओपन कैटेगरी अगर 130 पर क्लोज हो गई उर्दू मीडियम वाली, अगर आपको 129 128 है और 130 वाला आखिरी बंदा मिला कम से कम जो नीचे आई जो कम से कम 130 और उसके नीचे आप तो आपका नहीं होगा, 130 वाले का सिलेक्शन होगा, समझे। ऐसे तो पवित्र पोर्टल में कई प्रोसेस है जो आपको समझना जरूरी है, लेकिन मैंने मैरिट की बात बताया तो मैरिट पर सिलेक्शन होता है। तैयारी की शुरुआत मैंने हजार बार बताया हूं इससे पहले भी कि जो दर्सी किताबें होती है, टेक्स्ट बुक्स होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी आपको जो है जिसको बोलेंगे अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी, बुद्धिमत्ता है ना, यानी जिसको बोलेंगे हम टीजे एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें क्या जोर देता है वो 200 में से जो 200 मार्क होते हैं, ये 200 जैसा टोटल मार्क्स है, आप 2017 के पेपर उठा के देख लो, तो उसका कहना है कि अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता मिला के जैसा यहाँ अगर यहाँ तकरीबन 40 और यहाँ 80 यानी 120 के आसपास में, 120 मार्क्स के आसपास में वो जो है 120 मार्क्स के आसपास में
क्या पूछता है, जिसको बोलेंगे हम ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स। तो यहां ये जो डिवाइडेशन वो बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें शुरुआत जो करेंगे तो जिसका मैथमेटिक्स और ज़हनी आजमाइश वगैरह कमजोर है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि उसकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ये अभियोग्यता बुद्धिमत्ता जांचनी में उसने जनरल नॉलेज या अदर सब्जेक्ट्स पर जोर नहीं दिया और टफ लेवल जो उसने रखा मैथ्स और आईक्यू का रखा, मैथ्स और आईक्यू का रखा उसने। मैथ्स आईक्यू मिला के 100-120 सवाल मामूली नहीं रहते, बहुत लंबे लंबे सवाल पूछा था उसने आईक्यू में पिछले 2017 में। तो अपने को देखना है कि ये जो मैथ्स है और आईक्यू इसकी तैयारी बेसिकली जो है जिसका कमजोर है या जिसका अच्छा भी है मैथ्स या आईक्यू, तो उसने बेसिक से तैयारी शुरू करना। मैंने इसके पहले भी पब्लिकेशन बोल दिया, लेकिन जैसा ये जो मैथ्स है ये मैथ्स के हिस्से में पूछता क्या है, मैथ्स के हिस्से में ज्यादातर जोर है जो पूरे टॉपिक्स पर, जैसा कि 5वीं से लेकर 8वीं 10वीं तक जो टॉपिक्स होते हैं, आदाद का इल्म, नफा नुकसान, उसके बाद में सूदे मुरक्कब, सूदे मुफरद, उसके बाद में हमारा जो है इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं हमारी जो कसरे होती है वो कसरे, उसके बाद में जो जिसको बोलेंगे हम अलजेब्रिक जो इबारतें होती है वो, उस टाइप के जो सवाल होते हैं इस पर जोर होता है। बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू, आईक्यू में क्या पूछता है वो, आईक्यू में होता है तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता यानी मंतक, मंतक और इस्तदलाल जिसको उर्दू में अपन बोलते हैं, यानी ज़हनी आजमाइश में पूरे पॉइंट्स A to Z पॉइंट्स जो है वो पूछता है, जिसमें से जो रिश्ते नाते पानी के जो टाकी का सवाल होता है, उम्रों का तनासुब होता है, इसके बाद में जो है जो जानवरों के पैर के और सर के ऊपर जो सवाल आते हैं उस टाइप के, उसके बाद में एक मेज पर एक गोल मेज पर जो है ए से लेके तो एस तक जो बच्चे बैठे हैं ए के बाजू में, ऐसा इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो ऐसे सवाल आपको पूछता है। अब ये तो हो गए जैसा यानी आईक्यू के ए से लेके जेड, यानी कि एकदम बेस से लेके तो एड तक के पूरे सवाल आपको शिक्षक भर्ती के टैग में पूछता है। ये तो हो गई 120 मार्क की बात, अब बाकी के बचे 80। अब 80 में क्या रहता, 80 में सब आ जाता, इसमें आ जाता तुम्हारी यानी कि डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट और कितनी जल्दी तुम हल कर सकते हैं, ये शिक्षक भर्ती का मेंस परीक्षा जाहिर करती है। इसके बाद में 80 में क्या आ जाता, अपना मराठी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, जनरल नॉलेज है, साइंस है, शहरियत है, जोग्राफिया है, तारीख है, सबके सभी 80 में आ गया। अब उसमें क्या किया था, उसने कभी एक शिफ्ट वाले को जनरल नॉलेज के 5 सवाल पूछ दिया था, कभी एक शिफ्ट वाले को तारीख के 5 सवाल पूछ दिया था, मराठी के 10 पूछा, इंग्लिश के 5 पूछा, ऐसे अलग 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 कर दिया, यानी कि डिफाइन नहीं किया। अब इसमें एक खामी यह है, ये टैग की परीक्षा की खामी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि अगर 80 मार्क का अगर मैथ्स और जैसा अगर ज़हनी आजमाइश भी रखे जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट को 20-20 मार्क्स में डिवाइडेशन उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 80 में आपको जिसको इंग्लिश भी आएगा, मराठी ग्रामर भी आएगा, उर्दू भी आएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद में तारीख, शरीयत, जोग्राफिया और साइंस, ये सब के सब आ जाएंगे बाकी के 80 मार्क में, यानी कि नियर अबाउट 100 से भी ज्यादा जो है हमको 100-120 मार्क का मैथमेटिक्स यानी रियाजी और ज़हनी आजमाइश होगा। ये इस एग्जाम का जो है मतलब है या मकसद है, क्योंकि ये टीचर की इम्तिहान है, इसलिए इसके अलावा जो है अब आगे की जो बात, अब इसमें तैयारी जो है, अब मैं आपको बोल रहा हूं 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी टीईटी हुए, टीईटी ध्यान में रखो महा टीईटी जितने भी हुए वो सबके पेपर में जितना भी मैथ्स होगा, यानी कि अगर 8 टीईटी हुए होंगे, 8 नियर अबाउट 8 टीईटी हुए होंगे, तो उसमें उसका जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स, रियाजी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 13 से लेकर 21 तक पेपर 8 हुए, 3 × 48 ये 240 क्वेश्चन और सेकंड पेपर के मैथ्स के 240, यानी कि 480 सवाल आपको वो पूरे देखने हैं, उसका तरीका देखना है, वो कैसे हल किए गए वो देखने हैं। क्यों, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट टीईटी के मैथ्स का अपने को टैग में होने वाला है, याद रखो। उसके बाद में जो है जो साइंस रहेगा, साइंस को पूरा स्पेशली पूछता, मैं 80 मार्क में बोला हूं, तो साइंस जो पूछेगा वो, तो वो साइंस रहेगा अपना बेसिक साइंस से लेके, तो जो भी 80 मार्क में सादा या एकदम टफ वगैरह वगैरह पूछेगा, तो सेकंड पेपर का जो साइंस था TET2 वालों का वो उसके सवाल देखो, अदरवाइज जो है साइंस के लिए टेक्स्ट बुक पढ़े तो भी चलता। इसके अलावा जो है
इसके अलावा जो है ज़हनी आजमाइश एक जो सब्जेक्ट है सबसे मेन, आप रियाजी की तो मैंने बात बता दिया, ज़हनी आजमाइश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टैट का। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ पब्लिकेशन ही लेना पड़ेगा अपने को, आप क्योंकि इसकी अपने उर्दू मीडियम के बच्चों को आइडिया नहीं है ज़हनी आजमाइश कहां से पढ़ना कैसा पढ़ना। तो इसके लिए अपने को, क्योंकि अपन ने अदर एग्जाम देते ही अपन दूसरे वो दूसरे मीडियम में रहते बोल के, तो वो एक अपनी कमजोरी यहां पर सामने आती। अब क्योंकि यहां पर हर बात समझाना पड़ती है इसलिए मैंने बार बार बोला, पब्लिकेशन अगर ले रहे होंगे तो बुद्धिमत्ता चाहती है ज़हनी आजमाइश में, मराठी समझते होंगे तो अनिल अंकल की ले लो, उसके बाद में हिंदी अच्छी है अपने बच्चों के हिसाब से तो तुम हिंदी में पढ़ो ज़हनी आजमाइश, लूसेंट आईक्यू बोल के आती वो। अब बोलेंगे कि बार बार बोल रहा हूं मैं कि तीन लैंग्वेज में एट ए टाइम सवाल आता है, ऊपर आता है मराठी में, उसके नीचे आता है उर्दू में वही सवाल और नीचे इंग्लिश में। अब अपन कायमे से भी पढ़ो, मराठी नहीं समझती तो बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन हिंदी में से आईक्यू वगैरह तो समझ जाता ना अपने को, तो आईक्यू के लिए दूसरे टाइप की लो, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन इसमें आईक्यू का है, नियर अबाउट आईक्यू का पोर्शन जो है 80 मार्क के करीब का है, 40 मार्क का मैथमेटिक्स है। अब मैंने उधर का बता दिया, साइंस भी बता दिया, चलते फिरते वाला जो साइंस रहता अपना दर्शी किताबों में का वो, उसके अलावा जो भी तुमको मालूम होगा वो पढ़ो, जनरल नॉलेज में आ जाओ। जनरल नॉलेज जो है जो टैट के इम्तिहान में नॉर्मल पूछता है 5-7 मार्क के लिए वगैरह, 5-7-10 मार्क के लिए इंग्लिश ग्रामर, 5-7-10 मार्क के लिए जो मराठी ग्रामर पूछता है, कुछ कुछ उर्दू पूछ लेता है, तारीख शहरियत ज्योग्राफी वगैरह वगैरह सब जनरल नॉलेज में ही आते हैं। इनको चलते फिरते पढ़ के जैसा 5 घंटे स्टडी में से 7 घंटे स्टडी में से 2 घंटे इसको दे देने का या 3 घंटे दे देने का, 4 घंटे मैथ्स आईक्यू को देने का। अब कितने घंटे पढ़ना ये डिपेंड अपने पर रहता, कितने घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ के बगैर समझी का रट्टा मारना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चलता नहीं, 5 घंटे पढ़ के फहम के साथ पढ़ो तुम 100% क्लियर होते। अब रही बात मेरिट लिस्ट की, पिछले बारी में कैंडिडेट्स कम और वैकेंसीज ज्यादा होने की वजह से मेरिट लिस्ट कम थी, उर्दू मीडियम में कंपटीशन कम रहता, ये दिमाग से अपने निकाल दो। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ भी नहीं रहता बोल के बोलेंगे, अपना काम है अपना मेरिट में आके अपनी जगह ले लेना, अपनी जो है जॉब ले लेना। तो नियर अबाउट अगर मैं बोलूं उर्दू मीडियम में ओपन कैटेगरी की बात करूं, सबसे कम वैकेंसीज ओपन की आती है उर्दू मीडियम या कोई भी मीडियम में, इनका रोस्टर नहीं होता, इसलिए ओपन की बात करूंगा तो 200 में से नियर अबाउट पहले लिस्ट में लगने के लिए 125। पहली लिस्ट मतलब क्या, पहली लिस्ट मतलब अगर किसी कास्ट की अगर वैकेंसी उर्दू मीडियम में, जनरली ओपन के अलावा दूसरे कास्ट की आती है, उर्दू में ओबीसी मिलता है, वीजे मिलता है, वीजे वगैरह मिल जाता है, एसबीसी वगैरह तो नहीं, दूसरे 2-3 कास्ट मिल जाते हैं लेकिन ये नहीं मिलते एनटीसी एसटी एससी, तो ये क्या रहता, पहले राउंड में जो है मेरिट हाई जाती है और दूसरा राउंड कन्वर्ट होके आता है, जिसको 6 अगस्त 2001 का जो कोर्ट का निर्णय है माइनॉरिटीज पे, जहां पर कास्ट रहते ही नहीं उर्दू मीडियम पे, वहां कन्वर्ट कर सकते बोलकर। तो माजी सैनिक वगैरह वगैरह, इसके बाद में एससी एसटी माजी सैनिक एनटीसी एसबीसी, ऐसी कास्ट जो है ये कन्वर्ट होके आती है, लेकिन पहले राउंड में ओपन को लगने के लिए 125 से 130 ओबीसी वाले को पहले राउंड में अगर लगना है तो 100 प्लस या नियर अबाउट 100 प्लस ओबीसी है या 110 यहां तक, ये अंदाज सिर्फ मेरा अंदाज है, इसको जो है आपने दिल पे मत लो, एक अंदाज है मेरा अंदाज। तो उसके बाद में जो ओबीसी होगा वीजे वगैरह का जो रहता है नियर अबाउट 90 के आसपास उर्दू मीडियम में लग जाता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ये 10% के हिसाब से वैकेंसी आती है, तो इसकी मेरिट लिस्ट कम होती है, ओपन में ईडब्ल्यूएस जो रहता है उसकी नियर अबाउट 80-90 फीमेल मेल। हाँ, इतनी बात जाहिर रखो कि ओपन का मेल जितनी को क्लोज होता मेरिट लिस्ट उतनी फीमेल नहीं होती, फीमेल की थोड़ी कम होती रहती 30% आरक्षण की वजह से। तो अगर एक ओवरऑल मैं बात करूं तो ओपन जो है पहले लिस्ट में लगने के लिए 125 से 30 के दरमियान, जो ओबीसी है उसको 110 के आसपास, वीजे वगैरह ये 100 के आसपास, फीमेल वगैरह है ओपन से तो 110 115 नियर अबाउट इसके समझ लो, ओपन वालों का थोड़ा टफेस्ट है। इसके बाद में अदरवाइज जो सेकंड राउंड होता है कन्वर्टेड राउंड, उसमें तो एकदम इजीली कोई भी समझो इजीली लग जाता, उसमें कोई मेरिट नहीं रहती, सबके सब कन्वर्ट जगह होकर आती, सब जैसा इजी गोइंग में लग जाते, जैसा लास्ट टाइम में 47 या 40 तक भी आई थी उर्दू मीडियम की मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं रहता, फर्स्ट राउंड में एकदम हाईएस्ट लेना पड़ते
अब वो सेकंड राउंड होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी रहती नहीं, उसको कन्वर्ट के लिए कोशिशें करना पड़ती है। अपने उर्दू मीडियम के कई बच्चों ने करे थे तो सबको उसका सिला मिला। तो आज का जो वीडियो था वो ऐसी इसी बारे में था। उर्दू मीडियम के जो भी स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को आखिरी तक देखो, चाहे थोड़ा लेंदी हो गया तो भी चलता, लेकिन कैसा करना क्या करना ये बात अपने को समझ में आती। मैंने एकदम आसान भाषा में समझाकर बताया, अब आपका काम है आपके हिसाब से स्टडी स्ट्रेटेजी उसको बनाना और पढ़ना। टेट 2022 फरवरी के बजाय मार्च में हो जाएगी, लेकिन अपना टारगेट बना के रखो, पहले लिस्ट में लगने की तैयारी रखो। सेकंड राउंड का कोई भरोसा नहीं रहता, कन्वर्ट होने के वास्ते कोशिशें करना पड़ेगी। 150 का टारगेट बनाओ, ओपन वाले 130 तक आते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उर्दू मीडियम वालों तक शेयर करो। किसी भी मीडियम वालों तक करे तो समझेगा तो उनको, ये हिंदी भी तो समझती होंगी कि तैयारी कैसा करना बेसिक। अस्सलाम वालेकुम।